एक्सीडेंट की सूचना मिली, जिसमें लखनऊ से हरदोई जा रही रोडवेज की बस और हरदोई से लखनऊ आ रही इन दोनों रोडवेज की बसों में एक्सीडेंट हुआ है। यह संज्ञान में आया है कि एक ट्रक जा रहा था जिसको रोडवेज की बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की और उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जो लखनऊ से हरदोई की ओर जा रही थी। इस ओवरटेक करने में उसका डिसबैलेंस हुआ, सामने से आ रही बस से उनका आमने सामने उनका कोलाइड हुआ। खासतौर पर जो ड्राइवर साइड थी दोनों बसेस की, उनके बीच में भीषण हादसा हुआ है और दोनों बसेस काफ़ी डैमेज हुई हैं और इसमें बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई है। अब तक की सूचना के हिसाब से 6 यात्री एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी है एक, और 8 लोग अभी इंजर्ड हैं जो ट्रामा सेंटर भेजे गए हैं।